नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते चार बजे की चार बड़ी खबरों की। आज देश को अपना 15वां राष्ट्रपति मिल जाएगा। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान के बाद आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की गिनती की जा रही है। एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की इस चुनाव में जीत की संभावना जताई जा रही है। अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करती है तो वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी। इसी के चलते भाजपा ने देश के 1.30 लाख आदिवासी गांवों में जश्न की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को वोटिंग हुई थी। राष्ट्रपति चुनाव पहले राउंड की गिनती पूरी हो गई है। द्रौपदी मुर्मू को 540 सांसदों के वोट मिले हैं, जबकि यशवंत सिन्हा को 208 सांसदों के वोट मिले हैं। द्रौपदी मुर्मू को 3,78,000 मिले वोट, यशवंत सिन्हा को 1,45,600 वोट मिले, जबकि 15 सांसदों के वोट अमान्य माने गए। तो इस चुनाव में कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर देखने को मिली, क्योंकि विपक्ष का ज्यादातर समर्थन विपक्षी उम्मीदवार की तरफ जाने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू ने सबका समर्थन सबका विश्वास जीता है और वो आदिवासी वर्ग से आती हैं, उसको देखते हुए ज्यादा से ज्यादा विपक्ष ने अपना समर्थन दिया है और साथ ही साथ समर्थन के साथ ही उनको ऐसी संभावना अब जताई जा रही है कि द्रौपदी मुर्मू जीत सकती हैं। पहले राउंड की गिनती पूरी हो गई है। द्रौपदी मुर्मू को 540 सांसदों के वोट मिले हैं, यशवंत सिन्हा को 208 सांसदों के वोट मिले, यानी कि यशवंत सिन्हा पीछे चल रहे हैं। तो वहीं द्रौपदी मुर्मू को 3,78,000 वोट मिले, यशवंत सिन्हा को 1,45,600 वोट मिले हैं, जबकि 15 सांसदों के वोट अमान्य माने गए हैं। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, जिस तरह से गिनती चल रही है और द्रौपदी मुर्मू अपना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, उनके वोटों की गिनती जिस तरह से सामने आ रही है और ये पहले से भी माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं जीत द्रौपदी मुर्मू की होगी, किस तरह से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर द्रौपदी मुर्मू भावी राष्ट्रपति होने वाली हैं देश की, और पहली आदिवासी महिला जो कि देश की राष्ट्रपति बनेंगी, शीर्ष कुर्सी पर बैठेंगी देश की। वो वोटिंग हुई थी और कैंडिडेट की अगर बात करी जाए तो दोनों ही तरफ से जो कैंडिडेट्स थे वो मजबूत उतारे गए थे। एनडीए गठबंधन ने द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया था, पहली आदिवासी महिला। उनका जो अब तक का सफर रहा है वो कठिनाई पूर्ण रहा है, चाहे उनकी नौकरी से अगर हम शुरुआत करें, उन्होंने टीचर बन के किस तरह से बच्चों को शिक्षा दी, उसके अलावा उनका पहला चुनाव हो गया, उसके अलावा अगर हम देखें तो जब वो राज्यपाल बनी, कार्यकाल बहुत अच्छा बहुत अहम रहा और इसी को देखते हुए एनडीए ने उन्हें प्रत्याशी बनाया था राष्ट्रपति का। दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा थे जो कि पूर्व IAS अधिकारी हैं, भाजपा के पुराने नेता रहे हैं, उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ साथ अगर हम देखें तो वित्त मंत्रालय भी संभाला हुआ है और मजबूत नेताओं में एक समय तक माने जाते थे, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे बड़े मामले कारगिल युद्ध के बाद निकल कर आए जिसमें यशवंत सिन्हा का नाम सामने आया था, ताबूत घोटाला उसको बोला जाता है, उसमें यशवंत सिन्हा का नाम आया था और उसके बाद यशवंत सिन्हा का जो पॉलिटिकल करियर था वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल की तरफ जाता दिखाई दिया। यशवंत सिन्हा उसके बाद बीजेपी से नाराज होकर के अलग हो गए और तृणमूल कांग्रेस से जुड़े थे। उसके बाद इस बार का जो राष्ट्रपति का चुनाव है उन्हें प्रत्याशी बनाया गया UPA की तरफ से, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उन्हें सपोर्ट किया लेकिन समाजवादी पार्टी के साथियों ने ही सपोर्ट नहीं किया यशवंत सिन्हा को। तृणमूल कांग्रेस जिस पार्टी से वो आते हैं उस पार्टी ने भी बंगाल में उनके लिए प्रचार नहीं किया, तो कहीं ना कहीं बड़ी समस्या जो हो गई थी वो यशवंत सिन्हा के लिए ये हो गई थी कि उनको बड़े पैमाने पर जो सपोर्ट था जिसकी उन्हें उम्मीद थी वो नहीं मिली थी, क्योंकि चुनाव से पहले करीब 51% जो वोट था वो विपक्ष के पास था और 49% जो वोट था वो एनडीए के पास था। ऐसे में अब देखा यही जा रहा था कि एनडीए के सामने समस्या थी, लेकिन एनडीए ने यहाँ पर तुरुप का पत्ता खेलते हुए द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया आदिवासी महिला, और साफ तौर पर उससे कहीं ना कहीं उन्होंने झारखंड का भी सपोर्ट मिला, केरल का भी सपोर्ट मिला, खुद बंगाल का भी उन्हें सपोर्ट मिला, जहां जहां आदिवासी वर्ग के लोग हैं वहां से उनको सपोर्ट मिला, और ऐसे में अगर हम देखें तो करीब 41 दलों ने द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट किया था और उसी का नतीजा ये है, क्योंकि अभी वोटों की गिनती जो है वो चल रही है, सांसदों का वोट जो है वो गिना गया है, 540 वोट करीब
द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं, 208 वोट यशवंत सिन्हा को मिले हैं, और अब इससे साफ साबित हो गया है कि आने वाले समय में बहुत जल्द द्रौपदी मुर्मू का नाम फाइनल हो जाएगा देश के राष्ट्रपति के लिए। नितिन, जिस तरह से हर चुनाव में उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका रहती है, और इस बार भी ये देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में उत्तर प्रदेश ने अहम भूमिका निभाई है। वहां के यहां के जितने भी विपक्षी नेता हैं, ज्यादातर ने द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दिया है क्योंकि वो आदिवासी वर्ग से आती है। भाजपा ने जो कार्ड खेला वो कहीं ना कहीं काम कर गया है, और जिस तरह से अब हम गिनती भी देख पा रहे हैं, 540 और 208 आधे से ज्यादा का अंतर है, तो इस भूमिका को, उत्तर प्रदेश की भूमिका को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश की भूमिका की अगर बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सांसद हैं, और सबसे ज्यादा सांसदों में अगर हम गिनती देखें तो बड़े पैमाने पर सांसदों की जो संख्या है वो बीजेपी के पास है। ऐसे में साफ तौर पर ये साबित होता है कि जो सांसदों की संख्या बीजेपी के पास है उनका वोट भी कहीं ना कहीं बीजेपी के खामे में, यानी एनडीए के खामे में ही जाना था, और यही हुआ भी कि इस बार द्रौपदी मुर्मू के खेमे में ये वोट गया है। 60 से ज्यादा सीटें जो है वो बीजेपी के पास है सांसद की, तो ऐसे में जो बीजेपी के सांसद थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर वोट किया था, और उसी का ये नतीजा है कि ये जो वोटों की गिनती अभी हम लोग और आप हम और जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो आंकड़ा बढ़ा हुआ है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हैं उसमें से ज्यादातर जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू के खाते में गई हैं। इसके अलावा बसपा के सांसदों ने भी कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट किया है, अन्य कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके कुछ सांसद हैं उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट किया है, तो कुल मिलाकर द्रौपदी मुर्मू को अच्छा खासा जो सपोर्ट है वो मिला है सांसदों के तौर पर। अब बात रही उत्तर प्रदेश के नजरिए से, तो उत्तर प्रदेश का एक नजरिया तो यही था कि सांसदों की संख्या बीजेपी की ज्यादा है, एनडीए की ज्यादा है, इस वजह से ज्यादा सपोर्ट है। विधायकों की अगर बात करें तो विधायकों का वोट भी कहीं ना कहीं ज्यादा है बीजेपी का दूसरे राजनीतिक दलों के मुकाबले, तो उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं एनडीए का एक बड़ा वोट बैंक जो है वो द्रौपदी मुर्मू के खाते में जाएगा, और ऐसे में अब ये साफ साबित हो रहा है कि उत्तर प्रदेश का विपक्ष जो पहले एकजुट होकर के यशवंत सिन्हा के सपोर्ट में था वो जिस तरह से धीरे धीरे टूटता गया, चाहे हम प्रकाश राजभर की बात करें, शिवपाल यादव की बात करें, या फिर बाकी सबकी बात करें जो अलग होते गए, बसपा सुप्रीमो की बात करें, मायावती की, खाली अखिलेश यादव और जयंत चौधरी साथ रह गए थे जिन्होंने यशवंत सिन्हा को सपोर्ट करने को कहा था, तो खाली इनके सपोर्ट से उत्तर प्रदेश का अगर वोट मिल भी जाता है तो बहुत कुछ नुकसान यशवंत सिन्हा नहीं पहुंचा पाएंगे द्रौपदी मुर्मू को, और ये साफ साबित हो गया कि बड़े पैमाने पर एक अच्छी जीत जो है वो द्रौपदी मुर्मू को आने वाले समय में दी जाने वाली है। जी बिल्कुल नितिन, 1.3 लाख आदिवासी गांवों में जश्न की तैयारी की है भाजपा ने, और इस बात का भी ऐलान कर दिया था कि द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद भाजपा जश्न मनाएगी, इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अभी से ही अभी पहले राउंड की गिनती पूरी हुई है और जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, आदिवासी वेशभूषा में सभी गांवों में जश्न मनाया जा रहा है, तो देश में इस बार जब पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनेंगी तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं तैयारियों में, जश्न में? देखिए, कहा यही जा रहा है कि आज के बाद, आज 21 तारीख है, 21 तारीख को जब ये नतीजा आ जाएगा तो इसके बाद से जो देश के आदिवासी हैं उनकी समस्याएं सुलझ जाएंगी, उनका जो जीवनचर्या है उसमें काफी बदलाव आ जाएगा, जहां जो उनकी समस्या है चाहे वो सड़क हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, इन पर बड़े पैमाने पर काम होने वाला है, क्योंकि उनके बीच से ही उठ करके कोई देश का नेतृत्व करने वाला है राष्ट्रपति के तौर पर, वो भी सर्वोच्च कुर्सी पर बैठ करके, तो जाहिर सी बात है कि जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं उनके मन में काफी खुशियां हैं, और वो इस पूरे अगर हम इस मामले को देखें तो इसको लेकर के बड़ा जश्न भी मनाने वाले हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी या फिर एनडीए ने बहुत सोच समझ कर यशवंत सिन्हा के खिलाफ प्रत्याशी के रूप में द्रौपदी मुर्मू को उतारा है, और ये जीत अगर उनको एक बार फिर से मिलती, क्योंकि लगातार राष्ट्रपति के चुनाव वो जीतते आए हैं, चाहे हम रामनाथ कोविंद की बात करें या फिर अभी हम द्रौपदी मुर्मू की बात करें, रामनाथ कोविंद दलित राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने 5 साल का कार्यकाल जो है अपना वो बिताया है, उसके बाद अब द्रौपदी मुर्मू का समय आ गया है, वो भी जीतने वाली हैं, तो ऐसे में बीजेपी के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है, और इन सबको देखते हुए अगर हम 24 का चुनाव भूल जाए तो ये हमारी और आपकी गलती है, क्योंकि 24 का चुनाव कहीं ना कहीं इसी रास्ते से होकर के गुजरेगा, क्योंकि आदिवासी और उन बेल्टों में जहां पर आदिवासी वोटर ज्यादा है, चाहे वो हम झारखंड की बात कर लें या फिर और जो इधर के आपके दूसरे राज्य हैं जहां पर आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, जहां पर बीजेपी नहीं जीत पाई थी पिछली बार या उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, तो उन जगहों पर भी ये 24 के लिए काफी अहम रहेगा,
कि उन जगहों पर कैसे सेंधमारी करनी है, और द्रौपदी मुर्मू का एग्जाम्पल कहीं ना कहीं दिया जाएगा इस बार के 24 के चुनाव में एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कि हमने आपके बीच के ही किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति तक पहुंचाया, राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठाया है। और होना भी चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने पहले रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया, वो एक दलित वर्ग से आते हैं, उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, फिर आदिवासी वर्ग को लेकर के वो साथ चल रहे हैं और आदिवासी वर्ग से किसी को राष्ट्रपति बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो इस पूरी पूरी जो जो ये उनकी जो उपलब्धि है इसको ये 24 के चुनाव में भुनाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, और कोई भी राजनीतिक दल हो वो नहीं छोड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर मस्त संवाददाता नितिन जुड़े हुए थे। तो अगला राष्ट्रपति कौन होगा, कहीं ना कहीं ये साफ होता नजर आ रहा है, द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग साफ नजर आ रही है, क्योंकि उनके जो वोट है वो ज्यादा नजर आ रहे हैं विपक्षी कैंडिडेट से। रुक करते अगली खबर की तरफ। प्रवर्तन निदेशालय आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ हुई। वहीं सोनिया गांधी से 25 जुलाई को फिर पूछताछ होगी। इधर पूछताछ को लेकर विरोध कर रहे कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। सोनिया गांधी की ईडी द्वारा पूछताछ के खिलाफ गुवाहाटी में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए गुवाहाटी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प जैसी स्थिति पैदा हो गई। साथ ही प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर में किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। लखनऊ में भी प्रदर्शन देखने को मिला, कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिला है, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। तस्वीरें साफ है। ईडी और डरपोक सीबीआई और इनकम टैक्स ही अब मोदी सरकार का चाल चेहरा और चरित्र बन गए हैं। प्रतिशोध की राजनीति में धधकते हुए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ना कांग्रेस को ना देश के प्रजातंत्र को डरा पाई है ना डरा पाएगी। हम ना दबेंगे ना झुकेंगे, केवल आगे बढ़ेंगे प्रजातंत्र के प्रहरी बन के। नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता संग्राम का चिन्ह है, ये सच की लड़ाई है। अगर गांधी परिवार बेदाग है तो अब बेहाल क्यों? अगर गांधी परिवार ने भ्रष्टाचार नहीं किया तो हंगामा क्यों? आखिरकार भारत के नागरिकों से अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया हो उससे पूछताछ करना जांच एजेंसियों का काम है, तो क्या गांधी परिवार के लिए कानून अलग से बने? ये हंगामा किस बात का? आखिरकार अगर गांधी परिवार के पास और कांग्रेस पार्टी के पास छिपाने के लिए कुछ ना हो तो हंगामा करने की जरूरत नहीं। तिलमिलाहट क्यों है, घबराहट क्यों है, छटपटाहट क्यों है? ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। हम देखिए इसमें क्या लिखा है, सत्यमेव जयते, सत्य के लिए हम भी है, लेकिन इस किस्म के राष्ट्रीय अन्याय नहीं चलने चाहिए जो लोग समझने चाहते हैं। हम पहले इस हफ्ते क्या किए पार्लियामेंट के अंदर, हम देश के सारे मुद्दे उठाने की कोशिश किए, सारे समस्या जो आम आदमी सह रहे हैं, जैसे कि महंगाई के बारे में, सरकार चर्चा करने के लिए नहीं तैयार है, और उसके अलावा वो हमारे नेताओं के खिलाफ इस किस्म के राजनीतिक इंक्वायरी चल रहे हैं, तो नेचुरली हम प्रोटेस्ट करेंगे, किया हुआ है और करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि देश के मुद्दों के बारे में, देश की प्रॉब्लम्स के बारे में, देश की समस्या के बारे में आप बैठ के राजनीति ठीक तरह के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस किस्म को हमारे नेताओं को ऐसे पकड़ के ले जाना बार बार, हमें तो नेचुरली ये ठीक नहीं लगता। इस खबर में हमारे संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता कह रहे हैं कि हम तो प्रदर्शन करेंगे, हम ईडी की कार्यवाही से नहीं डरते हैं, हम सत्य के लिए लड़ेंगे, किस तरह से देखते हैं इस बयान को? जी आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को आज प्रवर्तन निदेशालय के मुख्यालय में वो तलब हुई थी। वहां उनसे लगभग 3 घंटे पूछताछ हुई, और सवाल वही थे जो राहुल गांधी से पिछले जो 5 दिन की पूछताछ थी राहुल गांधी से, सेम वही सवाल किए गए। वहीं आपको बताएं कि ईडी के जो जॉइंट डायरेक्टर हैं, यानी कि जो मोनिका शर्मा के अगुवाई में पूरी पूछताछ की गई, और वहीं आपको बताएं कि पूछताछ के दौरान जो सोनिया गांधी के स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों की दलील दी गई थी उसका विशेष इंतजाम किया गया, वहां पे पूरी हेल्थ टीम को रखी गई, हेल्थ टीम के साथ उनकी बेटी प्रियंका गांधी मौजूद। वहीं
वहीं पूछताछ में तमाम सवाल पूछे गए। अगर सवालों के बारे में बात करें तो लगभग 50 सवाल पहले से तैयार किए गए थे और जो सोनिया गांधी उसके जवाब दे रही थी तो जवाब मिले, जो उनसे जवाब मिल रहा था उनसे भी सवाल बनाकर पूछा जा रहा था। पर अगर उनसे प्रमुख सवालों की बात की जाए तो सबसे पहले पूछा गया कि आप यंग इंडिया की निदेशक कैसे बनी। वहीं यंग इंडिया का जो शेयर है वो एजीएल से लेन देन के बीच क्या आपका रिश्ता है, वहीं यंग इंडिया क्या काम करता है, ऐसे तमाम सवाल पूछे गए। वहीं आपको बताएं कि आज देश भर में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सत्याग्रह के तहत आज प्रदर्शन किए और साफ तौर से अगर देखें तो तमाम जो कांग्रेसी दिग्गज नेता है, चाहे बात की जाए तो मल्लिकार्जुन को ले ले, चाहे बात की जाए तो लगभग 70 से अधिक जो सांसद है उनकी गिरफ्तारी हुई है, साथ ही साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी गिरफ्तारी हुई है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की भी गिरफ्तारी हुई है। और इन सभी तमाम नेताओं ने एक आरोप लगाया है कि जो केंद्र सरकार है और प्रधानमंत्री मोदी हैं वो प्रवर्तन निदेशालय और जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि अगर बयान पे लौटे तो बयानों से साफ तौर से कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है साथ ही साथ नेता उनका साफ आरोप है कि ऐसे पिछले दिनों में होता आ रहा है कि ईडी जब ऐसी स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें रही हैं तो उस आदमी को उनके घर पे जाकर पूछताछ की गई है और ये नियम के अनुसार होता है। तो साफ तौर से जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उनका सरकार पे बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने सवाल पूछा है कि जब पहले ऐसे मामले हुए हैं स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों में जब पूछताछ घर पे हो जाती है तो सोनिया गांधी से आखिर पूछताछ उन्हें ईडी के प्रवर्तन निदेशालय में बुलाकर क्यों हो रही है। वहीं आपको बताएं कि प्रवर्तन निदेशालय ने क्यों की तरफ से 3 बार सोनिया गांधी को बुलाया गया जिसमें उन्हें स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों के वजह से वो अनुपस्थित रही और आज वो मौजूद रही है। जी विभांशु, जब भी ईडी और सीबीआई की कार्यवाही होती है तो विपक्ष द्वारा ये सरकार पर आरोप लगाया जाता है कि ये ईडी और सीबीआई की सरकार है और यहाँ पे इसका उपयोग करा जा रहा है, गलत उपयोग करा जा रहा है। तो वही अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर आप गलत नहीं है तो तिलमिला क्यों रहे हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आप सवालों से बचना चाहते हैं तो इसका मतलब कुछ दाल में काला है। तो ये जिस तरह का बयान पक्ष विपक्ष का सामने आ रहा है तो इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ गलत नहीं करा है तो सवालों का जवाब कांग्रेस दे सकती है, लेकिन यहां पे सवाल जवाब के बीच प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, अलग अलग जगह पे प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। जी शिखा, आपको बताएं कि इसके जवाब में जो कांग्रेसी नेता है उनकी तरफ से शशि थरूर उनकी तरफ से कहा गया है कि हम अहिंसक तौर पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और ये इसलिए कर रहे हैं कि हम देश के लोकतंत्र साथ ही साथ एजेंसियों का दुरुपयोग ना हो और दुरुपयोग करके जो कांग्रेस पार्टी है उनके तमाम पदाधिकारी हैं उनके छवि को धूमिल किया जा रहा है। इसका साफ तौर पे अनुराग ठाकुर की तरफ से जो बयान आया है उसके जवाब में तमाम ऐसे बड़े नेताओं ने जवाब देकर कहा है कि जब पिछले दिनों जब ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए अगर कोई अस्वस्थ रहता है तो उनके घर पे जाके पूछताछ की जाती है तो आखिर सोनिया गांधी के घर जाकर जो प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी हैं वो क्यों नहीं पूछताछ करते हैं। मगर प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से विशेष व्यवस्थाएं की गई थी, वहां महिला अफसरों की जो टीम थी उनको लगाया गया था, साथ ही साथ वहां मेडिकल टीम को भी रखा गया था और वहीं उनकी पुत्री और कांग्रेस की यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी को भी अनुमति दी गई थी कि आप मेडिकल टीम के साथ बैठकर और आप सारे मामले को समझ सकती हैं, उनको दूर रखा गया था। मगर सोनिया गांधी को जिस कमरे में रखा गया था उसके ठीक बगल में मेडिकल टीम को बैठाया गया था, मेडिकल टीम के साथ प्रियंका गांधी बैठी थी। और तमाम नेताओं की तरफ से आलोचनाएं की जा रही है कि जैसे भाजपा के अनुराग ठाकुर की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आप गलत नहीं है तो तिलमिला क्यों रहे हैं, और इसके जवाब में अगर देखें तो कांग्रेसी कार्यकर्ता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब जांच हो रही है और जांच के बाद अगर ये साफ होता है और हम पे आरोप तय होते हैं तो आपका कहना सही होगा, मगर हम बेकसूर हैं और जो यंग इंडिया के शेयर एजेएल को बेचे गए हैं वो पूरी तौर तरीके से बेचे गए हैं, जो पूरी पद्धति होती है उसके आधार पे बेचे गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि शिखा की जब इन्हें अगली बार इन्हें 25 जुलाई को फिर से प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय जाती है, अब देखेंगे कि कितने राउंड की पूछताछ होती है और दोनों के बयानों को मिलाकर जो रिपोर्ट आती है उसमें क्या निकल के आता है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। रुक करते अगली खबर की तरफ। कानपुर महानगर में अपनी उम्र पूरी कर चुकी इमारतें खड़ी हैं जो बड़ा हादसे को दावत दे रही हैं। वहीं कानपुर नगर निगम हर हाल में
महानगर में जीर्ण शीर्ण हो चुकी बिल्डिंग को चिन्हित करता है और उन्हें जर्जर घोषित करते हुए गिराने का नोटिस देता है, लेकिन नोटिस के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती और बारिश का मौसम आते आते हादसे हो जाते हैं। कानपुर नगर निगम ने 6 जोन में 429 इमारतों को जर्जर बताया है और उनमें बकायदा जर्जर होने का लिखित आदेश लिख दिया गया है। नोटिस देकर इसे सही करार की बात भी लिखी गई है, लेकिन हकीकत यह है कि जर्जर बिल्डिंग घोषित होने के बाद भी लोग यहां रह रहे हैं और तूफानी बारिश में किसी हादसे का इंतजार भी कर रहे हैं। नगर आयुक्त और महापौर दोनों ही अपनी जिम्मेदारी की बात जरूर करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार मानसून की तूफानी बारिश में किसी बड़े हादसे को टालने के लिए कोई गंभीर नहीं है। जी, ये कानपुर शहर में हम लोगों ने लगभग 429 ऐसे घरों को चिन्हित किया है जो जर्जर है और वो अनसेफ है रहने के लिए, और जैसे इसमें अत्यधिक जोन 1 में है 222 और जोन 4 में 120 है, क्योंकि ये पुराना इलाका भी है। तो इसमें हम लोगों ने एक तो पुलिस के साथ भी हम लोगों ने टाई अप किया है और उनके साथ भी लिस्ट शेयर करके एक एनफोर्समेंट की कार्रवाई कर रहे हैं। हमने हर जोन से जर्जर की भवनों की लिस्ट मंगाई है, अभी हमारे पास नहीं आई है। होता क्या है कि मैंने कल नगर आयुक्त से भी बात किया और आज भी बात करूंगी कि एक बार इसका सर्वे हो जाए। मैंने तो ये बोला है कि रोज एक घंटे में सर्वे करूंगी कि कौन जर्जर है कौन नहीं जर्जर है। जो बिल्डिंग जर्जर हो उसे IIT से करा करके उसको तत्काल प्रसाद से पहले गिरा दिया जाए। और इस खबर पर हमारे संवाददाता अनिल कुमार जुड़ चुके हैं कानपुर से। अनिल, जिस तरह से इन जर्जर बिल्डिंगों को चिन्हित किया गया, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि ये कभी भी गिर सकती है, लेकिन इसके बावजूद लोग इसमें रहने को मजबूर हैं, आखिर क्या वजह है? मैं आपको बता दूं कि ये कानपुर में लगभग 436 लगभग बिल्डिंगें इसको चिन्हित की गई है, जिसमें नोटिस जारी कर दिया गया है। लेकिन बता दूं कि कानपुर बहुत पुराना शहर है और ये बिल्डिंगें तब बहुत पुराने अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई है जो कभी भी गिर सकती हैं, और प्रति वर्ष बारिश से पहले नगर निगम कहीं ना कहीं पूरी कोशिश करता है कि इन बिल्डिंगों को खाली कराया जाए, लेकिन यहाँ पे जो गरीब तबके के लोग हैं जो यहाँ की बिल्डिंगों को बिल्कुल छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है। जी, तो इसके लिए अब नगर निगम क्या कदम उठा रहा है, क्योंकि गरीब लोग हैं वो इस मकान को गिरा भी नहीं सकते हैं, दोबारा नया मकान बना भी नहीं सकते हैं, तो नगर निगम क्या कदम उठा रहा है? नगर निगम ने कई बार इससे पहले भी नोटिस दिए हैं, क्योंकि जगह जगह पर प्रधानमंत्री आवास बने हुए हैं। नगर निगम ने कोशिश की है कि जिला अधिकारी के साथ मिलकर इनको उस मकानों में शिफ्ट किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के लोग हैं उनका कहना है कि ये हमारी बहुत पुरानी पत्रक जमीनें हैं, पत्रक जब मकान है जिसको हम छोड़ के नहीं जा सकते हैं। हालांकि प्रशासन इन सब चीजों को लेकर कई बार इन लोगों से इनको मनाने की कोशिश भी की, लेकिन इस बार प्रशासन ने पूरी स्ट्रिक्ट के साथ में बोल दिया गया है कि यदि आप लोग मकान नहीं खाली करोगे तो हम भारी भरकम फोर्स के साथ इसको खाली करवाएंगे। और इससे पहले मैं बता दूं कि कानपुर में लगभग नवाबगंज थाने क्षेत्र में लास्ट ईयर एक बिल्डिंग गिरने से लगभग 6 लोगों की मौत हो गई थी, जिसको मुख्यमंत्री ने स्वतः संज्ञान लेकर इस पर जांच बैठाई थी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता अनिल कुमार जुड़े थे कानपुर से। हरदोई के मल्लावा ब्लॉक में प्रशासन की बड़ी लापरवाही का वीडियो सामने आया है, जहां पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया चल रही है, जहां पर नामांकन के सारे कानून और कायदे को प्रशासन ने ताक पर रख दिया है। यहां पर दाखिल करने आ रहे उम्मीदवारों को टॉर्च की रोशनी में नामांकन दाखिल करना पड़ रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर DM अविनाश कुमार ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया से पहले ही सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए थे। ब्लॉक में जनरेटर है, पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए थी। मलावा के BDO को स्पष्टीकरण के लिए नोटिस जारी किया गया है। तो टॉर्च की रोशनी में पंचायत चुनाव के नामांकन कराए जा रहे। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाइट ना होने की वजह से टॉर्च की रोशनी में नामांकन हो रहे हैं, और पहले ही सख्त निर्देश दिए गए थे कि सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की जाए, लेकिन इसके बावजूद भी लापरवाही देखने को मिल रही है। जबकि जनरेटर भी है, उसके बावजूद भी उसका उपयोग नहीं हो रहा है। आखिर क्यों उपयोग नहीं हो रहा है, किस लिए लापरवाही आई है, इसके लिए BDO को स्पष्टीकरण के लिए भी बुलाया गया है, नोटिस जारी किया गया है। अब आगे की कार्यवाही में देखना यह होगा कि इन सब चीजों के पीछे वजह क्या है। सरकारी काम है, प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। टॉर्च की रोशनी में पंचायत चुनाव के नामांकन कराए जा रहे हैं।
जनरेटर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए थी, इस बात के लिए पहले ही सख्त निर्देश दिए गए थे, उसके बाद भी बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। नामांकन के सारे कानून और कायदे को प्रशासन ने ताक पर रख दिया है। यहाँ पर्चा दाखिल करने आ रहे उम्मीदवारों को टॉर्च की रोशनी में नामांकन दाखिल करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर डीएम अविनाश कुमार ने संज्ञान लिया है और नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया से पहले ही सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उसको ताक पर रखकर मनमानी की गई है। व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त नहीं दिखी है। तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं किस तरह से नामांकन दाखिल किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अंधेरा है परिसर में और टॉर्च की रोशनी में काम करना पड़ रहा है, और ये कोई आम काम नहीं है। पंचायत चुनाव का नामांकन चल रहा है। इस खबर पर हमारे संवाददाता हर्षराज सिंह जुड़ चुके हैं। हर्षराज, पूरे मामले की जानकारी चाहेंगे, आखिर जनरेटर होने के बाद भी उसका प्रयोग क्यों नहीं किया जा रहा है, टॉर्च की रोशनी में नामांकन की क्या आवश्यकता पड़ी? मल्लावा ब्लॉक का मामला है, यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर जो भगत लाल है उनकी देख रेख में नामांकन कराया जा रहा था। इस दौरान लाइट चली जाती है, जबकि सारे इंतजाम होते हुए भी लापरवाही सबसे बड़ी आती है सामने, जिसको वहाँ के जो नामांकन कर रहे थे प्रधान और बीडीसी वगैरह सब बड़ा हैरत में आ जाते हैं कि किस तरीके से ये जो मतलब योगी सरकार में इस तरीके से इंतजाम यहाँ और उसके बाद भी लाइट नहीं है, मौके पे टार जला के नामांकन हो रहा है। जी बिल्कुल, अब इस पे कार्यवाही क्या आगे देखने को मिलेगी? यहाँ के डीएम अविनाश कुमार है, उन्होंने कहा है कि इस पे कार्यवाही होगी, लेकिन सिर्फ वीडियो से स्पष्टीकरण मांग के कार्यवाही के नाम पे बस ऐसे ही ठंडे बस्ते में चला जाता है मामला। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता हरदोई से हर्षराज सिंह जुड़े थे। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।